हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ये गमला देख रहे हैं आप, ये अभी लगाया है मैंने, ये हमारा कड़ी पत्ता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गमले के अंदर पानी कैसे डाला जाता है। आपने शौक से बहुत सारे गमले लगाते हैं घर के बाहर, इंडोर प्लांट, छत पे, कुछ शौक के पौधे, कुछ आप फूल के पौधे लगाते हैं, आप उसमें सब कुछ कर लेते हैं, सारी फर्टिलाइजर, न्यूट्रिशन, पोटास, फार्फोरस, सब किसी से सलाह लेके डाल लेते हैं। लेकिन ख़ास बात होती है दोस्तों, उसमें पानी कैसे डाला जाए, कि पानी ही सब कुछ करता है। अगर आप पानी का बैलेंस बनाए रखे हैं तो आपका पौधा बहुत हरा भरा रहेगा, वरना कुछ भी नहीं रहेगा, वो सूख जाएगा 2-3 महीने में। आज इसका कारण बताते हैं दोस्तों। जैसे अब आप देख रहे हैं ये पौधा, इसके अंदर सब कुछ है। अभी अगर आप इसमें पानी डालें, इतना पानी डालो कि जो पानी यहाँ नीचे से निकलता है, अगर आप पानी भर दिए और पानी नीचे से बह रहा है, तो दोस्तों इतनी सी मिट्टी है, इसके अंदर जो भी फर्टिलाइजर है, जो भी आप कंपोस्ट खाद, बर्मी, जो भी आप डाले हो, वो धीरे धीरे पानी के साथ बह के निकल जाता है। समझ गए ना, वो पानी के साथ जो है बह के निकल जाता है। तो आपके फर्टिलाइजर इस पेड़ के पास रह ही नहीं जाता है, तो फिर वो पेड़ बड़ा कैसे हो, उस अच्छा सा फूल कैसे आए, कैसे हो कि वो सब कुछ तो निकल जाता है। तो इसमें निर्भर करता है कि आप जब पानी डालो तो वो पानी नीचे से निकले ना, इतना पानी डालो कि पानी गमले के अंदर का पानी नीचे से बहे ना। पानी निकलना ज़रूरी है क्योंकि होल है तो निकलेगा, लेकिन आपका पानी इतना कम रहे कि ऊपर से नीचे पहुँचते पहुँचते पानी आपका ख़त्म हो जाए, उतना ही पानी डालो। तो वो आप कैसे डालोगे, अंदाज़ तो रहता नहीं है कि हम पानी कैसे डालें इसमें, कि ज़्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा। दोस्तों, आप जैसे पानी डालने का आपने बाल्टी होगा, मग होगा, जैसे अभी हम आपको दिख रहा है, ये बर्तन दिख रहा है, एक हमने बनाया है माप के लिए। अगर हम इससे, हमने इसको ट्राई करके देखा है कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक मग पानी डाला हुआ है इस मग से, तो ये पानी अभी नीचे तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि गमला बड़ा है, तो इसमें 2 मग्गा पानी जाता है। अब दोस्तों, जिस दिन, एक दिन कभी भी आप अपना कोई जिस बर्तन से पानी देते हैं तो 2 मग्गा डालिए, थोड़ा वेट करिए, देखिए अगर पानी नीचे निकल जा रहा है तो आप निश्चित कर लीजिए कि हमें इसमें 1.5 मग्गा पानी डालना है। अब एक ही दिन आप उसका अंदाज लगा लीजिए कि इतना पानी डालने से नीचे पानी नहीं निकलता। तो पानी नीचे नहीं निकलेगा तो जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने पेड़ में दिए हो, जो भी खाद दिए हो, वो आपके पेड़ के पास ही रहेगा, पानी से बहेगा नहीं नीचे। अब पानी जब ज़्यादा लोग दे देते हैं, भर देते हैं ऊपर से नीचे से, तो वो सब बह जाता है। आप देखते होगे अक्सर लोग पानी देते हैं तो नीचे से बहता रहता है, दाग पड़ जाती है सब, अब उनका पेड़ अच्छा नहीं रहता, हरा भरा नहीं रहता है। तो अच्छा रहे पेड़, हरा भरा रहे, खूब सुंदर दिखे, खूब फूल आए, तो वो डिपेंड करता है कि आप उसे पानी कैसे दे रहे हैं। आप उतना ही पानी दीजिए कि जो नीचे पानी ना निकले। समझ गए दोस्तों, आप करिए, देखिए, अगर आप ऐसा उसके बाद भी ऐसा नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करिए। और ये आपको 101% मैं एक बहुत सर्च करके अब बता रहा हूँ आपको, बहुत इसको प्रैक्टिकली हमने देखिए, हमने पौधे लगाए हुए हमारे कितने हरे भरे हैं, देखिए दिख रहा है इसके, कभी भी आपको नीचे पानी नहीं दिखेगा, किसी भी प्लांट के नीचे पानी नहीं दिखेगा, इतना हम इसका सब सब हमने इसको सर्च कर लिया है कि किस किस गमले में कितना पानी देना है जो नीचे ना गिरे। दोस्तों, हम आपको एक नया नया वीडियो रोज़ देते रहेंगे, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइटम दबा दीजिए, क्योंकि आप जो भी मैं भेजूं आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू दोस्तों।